हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल फैक्टॉन पर। दोस्तों, आज हम जिस देश की सैर कराने वाले हैं आपको, वो अपने आप में ही एक अलग देश है। एक ऐसी कंट्री जहाँ के लोग लगातार 6-6 महीने तक काम करते रहते हैं। कई मामलों में इस देश से पूरी दुनिया को सीख लेनी चाहिए, लेकिन ऐसे भी कुछ काम है जिसे इस देश को पूरी दुनिया से सीख लेने की जरूरत है। दुनिया में ऐसा एक भी देश नहीं होगा जहाँ पर यहाँ की प्रोडक्ट ना बिकती हो, फिर चाहे वो कॉपी मारी हुई टेक्नोलॉजी ही क्यों न हो। यहाँ के लोगों की सोच और खान पान अन्य देशों के मुकाबले काफी अलग है। मतलब कि ये लोग कुत्ते से लेकर चूहे तक सब कुछ खा जाते हैं साले। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर आप पैसों के दम पर अपनी गर्लफ्रेंड को भी बना सकते हैं। इतना ही नहीं, इस देश में अगर आपके पास पैसा है तो कोई भी क्राइम करने के बाद किसी और इंसान को पैसे देकर आप जेल भी भेज सकते हो। यहाँ की पहचान है पांडा। पांडा यहाँ की शान है और इस देश की जान। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हमारे पड़ोसी देश चाइना के बारे में। तो फिर देर किस बात की, चलिए पहुँच जाते हैं चाइना में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चाइना का ऑफिशियल नेम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पर इस समय यहाँ की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है। यहाँ की कुल पॉपुलेशन 145 करोड़ से भी ज्यादा है, जिसमें 61% आबादी बड़े शहरों में रहती है तो 39% आबादी छोटे छोटे गाँव में। चाइना की राजधानी बीजिंग है, पर ये चाइना का प्रमुख शहर भी है। दोस्तों, चाइना में हर काम करने का एक अलग ही तरीका होता है। यहाँ पर जब सैनिक को ट्रेनिंग दी जाती है तो उनके यूनिफॉर्म के कॉलर में पिन लगा दी जाती है ताकि वे अपनी गर्दन हमेशा ऊपर ही रखें। अगर गलती से भी वो आराम करने का या फिर सोने की कोशिश करेंगे तो फिर ये पिन उनकी गर्दन में चुभ जाते है और वो सतर्क और चौकन्ना हो जाते है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के ज्यादातर लोग यूरिन का इस्तेमाल दवाई के तौर पर करते है। यहाँ के लोगों का मानना है कि यूरिन की मदद से आप किसी भी बीमारी को अपने शरीर से निकाल सकते हैं। चाइना के ज्यादातर तो लोग सुबह उठकर अपने यूरिन को पीते हैं। दोस्तों, चाइना में नकली सामान बनाना और उसे मार्केट में बेचना बहुत ही कॉमन बात है। यहाँ पर आपको नकली आईफोन से लेकर नकली कार तक तमाम चीजें आसानी से मिल जाएगी। आज की तारीख में चीन जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करने वाला देश बन गया है। यहाँ पर हर साल 404 टन सोने का उत्पादन होता है। चाइना में आपको नकली गर्लफ्रेंड भी मिल जाएगी जो कि रेंट पे होगी। जी हाँ, क्या आपने कभी सोचा था कि चाइना वाले प्यार को भी बेचते होंगे। चाइना में कुछ घंटों के लिए गर्लफ्रेंड को भी आप खरीद सकते हैं। ये लड़कियां बहुत ही इमोशनल होने के साथ साथ बेहद खूबसूरत होती है, लेकिन आप इन किराए की लड़कियों के साथ फिजिकल नहीं हो सकते। चाइना में साल 2009 से ही फेसबुक और ट्विटर जैसे एप्लीकेशन पर बैन लगा हुआ है। चीन ने साल 2012 में ही सरकार विरोधी न्यूज चैनल पर न्यूज पेपरों पर बैन लगा दिया था, पर वो सारे स्टाफ को देश से बाहर निकाल दिया था। चलिए अब हम आपको चाइना का वीजा क्या है और कितने पैसों में आप चाइना को घूम सकते हैं, वो सारी बातें बताते हैं। बता दें कि चाइना का वीजा सिर्फ 3 ही दिन में आसानी से मिल जाता है और इसके लिए आपको दिल्ली के एम्बेसी में जाना पड़ेगा। चाइना के 10 से 12 दिन के टूर के लिए आपको 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा आ सकता है। तो दोस्तों, ये था दुनिया का सबसे अजीबोगरीब देश चाइना। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक और नए शानदार वीडियोस में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करना। धन्यवाद।